एंटीबॉडीज का जो कॉन्सेप्ट था ऐसा लगता है वो खत्म ही हो गया। इसी के लिहाज से मैं हर्ड इम्यूनिटी के बाद हिसाब से आपको चीज बता रहा हूं, एंटीबॉडी के भरोसे मत रहना। जरा प्ले करें यहां पर, क्यों? पहली लहर के संक्रमित लोगों की एंटीबॉडीज खत्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट प्ले करें, एंटीबॉडीज की हम बात कर रहे हैं, मात्र 3 महीने में खत्म हो गई लोगों की एंटीबॉडी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे संभव है ये? फिर संक्रमण बढ़ने से हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने की बात अब गलत निकली है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, ये हमारे सामने एक और है, पहली लहर के 7% लोगों में ही बची हुई है एंटीबॉडीज। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, और ये बड़ा हमारे सामने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रिसर्च में ये बड़ा दावा किया गया है, और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हैरान करने वाले। कोरोना से बचने का एकमात्र इलाज है वैक्सीन, रिसर्च में ये कहा गया है। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, एक मिनट वो उनके पास मैं चलूंगा। डॉक्टर मलिक, मैं हमारे पास जो फैक्ट्स आ रहे हैं, मैंने कई जगह देखा है, मेरे अपने परिचित कई जगह जिनको एक बार कोरोना हुआ फिर दूसरी वेव में हो गया, अब एंटीबॉडीज जो है वो खत्म हो रही है। एक और पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि वैक्सीन से शायद मदद मिल जाए, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी अब कहीं से नहीं दिखाई देती। योर टेक सर। देखिए, ये पहले भी बहुत शोध हुए हैं और इनका रिजल्ट ये निकला है कि जो पहली वेव की एंटीबॉडीज बनी थी वो लगभग लगभग 6 से 7 महीने तक जो है चलेंगी, इससे ज्यादा नहीं चलेंगी। और ये जो निरंतर शोध हो रहे हैं उसके अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों में 3 महीने में, कुछ में 4 महीने में जो एंटीबॉडीज हैं वो बंद होती, खत्म होती जा रही हैं। इवन वैक्सीनेशन से भी एंटीबॉडीज कितनी चलेंगी इसका अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीनेशन देते हुए हमको अभी कुछ ही समय हुआ है, चंद महीने हुए हैं, उसकी एंटीबॉडीज भी कहां तक चलेंगी ये भी देखना पड़ेगा। अगर उसकी एंटीबॉडीज बाई चांस 9 महीने या साल चलती हैं तो साल के बाद हमारे को बूस्टर डोज भी लेनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी वायरल इन्फेक्शन हैं जैसे फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, जिसका हम वैक्सीन हर साल देते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज केवल 1 साल तक ही लास्ट करती हैं। तो बड़े सारे चैलेंजेस हैं इसके साथ में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आपने बताया। एक और चीज यहां पर चैलेंज बहुत बड़ा ये है, प्लीज गो इट्स। दूसरा चैलेंज निशान जी, सबसे बड़ा हमारे सामने ये है कि जो ये म्यूटेंट जब चेंज हो जाएगा तो ये वैक्सीन भी उस पर काम नहीं करेगी। अभी तक कोई ऐसा म्यूटेंट नहीं आया। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट दो तरह की चीजें आती हैं, ड्रिफ्ट होती है माइनर चेंजेस। अभी तक जो म्यूटेंट्स आए हैं उसके ऊपर ये वैक्सीन कारगर है, लेकिन अगर म्यूटेंट ऐसा आ गया जिस पे वैक्सीन कारगर नहीं होगी, जो कि आएगा, तो फिर और समस्या है, हमारे को वैक्सीन की गिनती फिर 0 से गिननी पड़ेगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के चलते मैं केवल एक चीज बताऊंगा, नेशनल डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेशनल राष्ट्र डिसिप्लिन हमें करना पड़ेगा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मास्क कहीं नहीं जाने वाला आने वाले 1.5 से 2 साल में, मास्क नहीं। निशान जी, एक छोटी सी बात और बताऊंगा, सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड, क्योंकि मैं अस्पताल चलाता हूं, मैंने देखा है कि निमोनियाज, पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियां, ये सब कम हो गई हैं जब से हमने मास्क लगाना शुरू किया। ना कि कोविड, लेकिन ये बीमारियां भी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफी हद तक कम हो गई हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे देश में बहुत होती थी उसका भी थोड़ा सा इंसिडेंस कम हुआ है। सर, लेकिन तो हमें मास्क लगाना चाहिए। सही, और मैं आपको इसका एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो मुझे बड़ी हैरान करने वाली बात है। कई कंपनियां बड़ी परेशान है, मेडिकल कंपनियां, क्योंकि उनका धंधा बैठ गया है, क्योंकि और बीमारियां कम हो गई हैं मास्क लगाने की वजह से। और मैं नाम नहीं लेना चाहता उन कंपनियों का, कुछ स्विट्जरलैंड की बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने कहा कि हमारा तो धंधा बैठ गया मास्क लगाने से और लोगों के जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उससे। डॉक्टर रमेश, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप मुंबई से मेरे साथ हैं, हम लोग एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कई सारी चीजें हैं। एक वायरस, इसका वेरियंट B.1.617 जो कि सबसे ज्यादा इंफेक्शियस माना जाता है, 70% ज्यादा इंफेक्शियस, इसके ज्यादातर केसेस विदर्भ में मिले, लेकिन कोरोना केसेस ज्यादातर मुंबई में मिले। अब ये कोई चीज कैसे डिफाइन करेगा? अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग जगह जा रहे हैं लेकिन केसेस कहीं और से बढ़ रहे हैं, ये कैसे? ये पूरा आई थिंक ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कोई है ही नहीं इस वायरस का। नहीं देखिए, ये वायरस म्यूटेशन बहुत कॉमन होता है, वो अपने आप में ये वायरस खुद अपने आप को बचाने के लिए वेरिएशन लाता है, तो ये वेरिएशन बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा ब्रिटेन में भी नया वेरिएंट आया था, साउथ अफ्रीका में भी नया वेरिएंट निकला है, ब्राजील में नया वेरिएंट। तो वेरिएशन एक पार्ट है वायरस का, म्यूटेशन का। तो जहाँ जहाँ वेरिएशन होएगा उस जगह पे नए नए, और उनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से स्प्रेड भी बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है और कई बार बहुत सीरियस भी होता है। जैसे सेकेंड वेव में देखा गया है कि लंग इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है,
तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है वायरस की अपने आप को म्यूटेट करने की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।